So next, let us look at deals. So what are deals? Any trade in the market, right? What is a trade? Any amount of shares, any quantity of shares being traded by a buyer and seller is a trade in the market. Chahe wo ek share ka ho, chahe 1000 share ka ho, chahe 1 lakh share ka ho. Your trades are private. Aap kya trade kar rahe ho, mujhe nahi pata hai. Right? Main kya trade kar raha hu, aapko nahi pata hai. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक साथ ट्रेड करते हो राइट विच कैन हैव सब्सटैंशियल इंपैक्ट ऑन द मार्केट देन एक्सचेंज हैज टू पब्लिश दैट इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक कंजम्पशन. सेबी ने रूल बना रखा है कि अगर आप किसी कंपनी के 0.5% से ज्यादा शेयर्स को एक साथ एक ही दिन में ट्रेड कर ले रहे हो तो आपके न्यूज को डे एंड पे एक्सचेंज विल मेक इट पब्लिक. सबको बता दिया जाएगा कि आपने ये बल्क डील की है. ठीक है, तो हमने क्या किया कि आज के दिन में जितनी भी बल्क डील्स किसी भी स्टॉक में हो रही है ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल हियर. तो यहां पे आप देखेंगे हमेशा क्वांटिटी विल बी वेरी हाई. 20 लाख शेयर एट 500 रुपए खरीद लिए. द थर्ड केस इफ यू सी इडलवाइज एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने कंपनी के स्टॉक्स बेच दिए हैं ऑफ ऑलमोस्ट 1 crore शेयर्स हैव बीन सोल्ड राइट. सो ऑल दीज list of deals have been put at one place. अब within this also, अगर छोटी कंपनी है तो 0.5% का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा. बड़ी कंपनी होगी या नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे तो वैल्यू भी ज्यादा होगा. सो यू सी अ रेड फ्लैग ऑन द लेफ्ट साइड. दैट रेड फ्लैग इंडिकेट्स दैट इट इज अ हाई वैल्यू डील ऑल्सो. नंबर ऑफ करोड़ के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर रखा. इतने करोड़ के ऊपर हो गया मतलब रेड फ्लैग भी है, मतलब यह बहुत बड़ी डील है. इसके बाद आप देखो फिर ये छोटी डील्स आनी शुरू हो गई. तो इफ यू जस्ट लुक एट एनी वन ऑफ दीज फॉर एग्जाम्पल ये गगन राजेश कपूर हैज बॉट चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड के शेयर्स. अब आपको नीचे क्लिक करने से दो ऑप्शन मिल जाते हैं. इधर यू कैन गो एंड चेक द डिटेल्स ऑफ दैट कंपनी. आपको एक कंपनी मिली, एक क्लू मिला कहीं से कि इस कंपनी में बड़ी डील हुई है, लेट मी गो एंड सी द कंपनी. यू कैन क्लिक एंड नेविगेट टू द कंपनी. एट द सेम टाइम यू कैन क्लिक एंड ऑल्सो गो टू द इन्वेस्टर कि उस इन्वेस्टर ने और क्या क्या डील की है इन अदर कंपनीज राइट. दैट इज यूनिक. ये आपको और कहीं नहीं मिलता है कि आप किसी भी बल्क डील से क्लिक करके उस इन्वेस्टर की भी हिस्ट्री खोल सकते हो. तो यहां जैसे नीरज के अंदर हम गए, उन्होंने किस किस दिन किस किस स्टॉक में क्या क्या किया था, दैट एंटायर हिस्ट्री इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. और फिर यहां से फर्दर क्लिक करके उस कंपनी में आप घुस सकते हो राइट कि इस इन्वेस्टर की उस कंपनी में हिस्टोरिक डील्स क्या हुई है. एंड सो दिस इज लाइक पूरा स्टॉकेज को ना एक ड्रिल डाउन मैकेनिज्म से बनाया गया है. यू अंडरस्टैंड ड्रिल डाउन, आप क्लिक करो और डिटेल चाहिए और अंदर चले जाओ, फिर 6 डेटा पॉइंट आ जाएंगे और कुछ अच्छा लग रहा है क्लिक फर्दर यू गो फर्दर डाउन. सो दैट एक साथ मैं आपको 1 billion डेटा पॉइंट्स नहीं दे रहा हूं, बट जहां आपका इंटरेस्ट है यू कैन गेट इनसाइड एंड ड्राइव मोर डेटा आउट ऑफ दैट एंटायर थिंग. सो दैट वॉज डील्स. एंड देन व्हेन वी हैव गॉन इनटू से नीरज रजनीकांत शाह, वी कैन ऑल्सो सी हिज ओवरऑल शेयर होल्डिंग. ओके, एवरी कंपनी इज सपोज टू पब्लिश एवरी क्वार्टर व्हाट स्टॉक्स आर हेल्ड, हु होल्ड्स मोर देन 1% ऑफ देयर शेयर्स. एंड दैट डेटा वी एक्यूमुलेट फ्रॉम ऑल द कंपनीज एंड वी कैन सी नीरज शाह एंटायर होल्डिंग हियर कंप्राइजिंग ऑफ कि किसी कंपनी में उनका 5% है, किसी में 4% है, किसी में 3% है. व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पीपल देन देर आर वेरी गुड इन्वेस्टर्स ऑल्सो सिटिंग देयर एंड वी कैन डू अ ट्रेंड फॉलोइंग राइट. कि जो काम वो कर रहे हैं बिकॉज आई नो दिस गाई डज गुड इन्वेस्टमेंट्स, आई गेट सम क्लूज ऑफ वेयर ही इज एंटरिंग एंड वेयर ही इज एग्जिटिंग. सर थोड़ा 2 मिनट इस पे बात करना चाहूंगा बिकॉज नीरज शाह का नाम आ गया है. अब एक आम आदमी क्या करेगा इस नाम को देख के, बस ठीक है चलो नाम. बट मेरे जैसा इंसान इस डेटा को बहुत वैल्यू देगा कि ये नीरज शाह जो है, एक तो ये जर्नी के थ्रू मैंने को एक नाम मिला तो उस नाम को मैं और अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ. तो एंड हम इस नाम को पहले से नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं. अब इसका हमको फायदा उठाना है. दैट्स द रोल. स्टॉक मार्केट में डेटा चारों तरफ अवेलेबल है, हमको कैप्चर करके इसका फायदा उठाना है. तो अब मुझे, मेरा ये इंटरेस्ट है कि नीरज शाह और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो वो सामने आ गया. लेकिन नीरज शाह जो है वो अपने फैमिली मेंबर के नाम पर भी इन्वेस्ट करते होंगे, इनकी कोई एंटिटी होगी उसके नाम पे भी इन्वेस्ट करते होंगे. बिकॉज कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर बुक में नहीं इन्वेस्ट करता है, देयर आर मल्टीपल एंटिटीज जिसके नाम पे इन्वेस्ट करता है. इनफैक्ट जब हम स्टॉकेज बना रहे थे वे बैक, जब हम इस डेटा को कैप्चर किए
और बोथ ऑफ अस गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार मुझे सारे इन्वेस्टर्स लोग का पोर्टफोलियो मिल गया, अब तो मुझे इसमें से अच्छे इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करना है और उनकी स्ट्रैटेजी को क्लोन करना है। बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है वैसे क्लोनिंग स्ट्रैटेजी, मनीष पावराय हैज बिकम मनीष पावराय बिकॉज उन्होंने सिर्फ क्लोनिंग किया लोगों को और इतना बड़ा उन्होंने फंड मैनेज किया अपना। तो कैन आई क्लोन पीपल? तो जब हम लोग इस जर्नी में उतरे तो वी रियलाइज दैट देयर आर बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नीरज शाह यहाँ जो रजनीकांत बीच में है, कई बार नीरज शाह का एंट्री में रजनीकांत नहीं होता है, कई बार नीरज शाह नीरख शाह हो जाते हैं, फिर नीरज शाह के फैमिली मेंबर्स है, कंपनीज है, तो ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, राइट? तो ऑल्दो इट इज बियॉन्ड डेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीज, बट जब डेटा हमको मिलता है वी ऑब्वियसली ट्राई टू क्रिएट सम इन्फरेंस आउट ऑफ द डेटा, एंड देन इन दिस जर्नी ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इन्फरेंस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ वर्किंग विच विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स। लेट्स पार्क दिस नेम नीरज शाह इन आवर माइंड एंड वी कंप्लीट द डेटा सेक्शन एंड वी गो बैक टू हिम। या श्योर। सो बल्क डील्स हमने देखा, इसी तरह से ब्लॉक डील्स जो और भी बड़ी डील्स होती है विच लार्ज इंस्टीट्यूशंस डू विथ ईच अदर, दैट लिस्ट इज पब्लिश्ड हियर। एंड देन यू हैव इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इनसाइडर डील्स विच इज ऑल्सो पब्लिश्ड हियर, कि कौन कौन से इनसाइडर्स हैं जो कि अपनी ही कंपनी में या अपनी रिलेटेड कंपनी में बाई या सेल कर रहे हैं। अब यहाँ कई लोगों को एक डाउट होता है बिकॉज सम पीपल पर्सनली आस्क मी कि हाउ डू यू गेट होल्ड ऑफ दिस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, ये सीक्रेट है तो फिर इतना पब्लिकली आप क्यों बता दे रहे हो? तो ये इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है, ये नॉर्म्स हैं एक्सचेंज के कि कोई इनसाइडर, इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु हैज एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल CFO ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दे विल हैव एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इफ दे डू एनी ट्रेड इन देयर स्टॉक्स they have to intimate the exchange, and what we do is we collect that data and we make it available to all of you. So if a promoter has started buying stocks of his own company, you can see that in advance here because this comes on a daily update basis. Shareholding information will come only after the end of the quarter, but the insider disclosures, as and when the disclosures are happening, that becomes available to us. Inference we'll look at it later. अरे एक डेटा देख ले, ये योगेश लड्डा जी जो है ये मैनोमेटेक्स कंपनी है, इसमें 13,300 शेयर इन्होंने लिया है। नाउ हैज क्यूमुलेटिव होल्डिंग आफ्टर दिस न्यू परचेज इज 2.84%। सो इफ एनीवन हु हैज 2.84% स्टेक, तो बंदा इनसाइडर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर में आ जाता है। तो एज अ स्टॉक, अब इस स्टॉक को मैं देखना चाहूँगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल स्टॉक को तकरीबन 300 350 400 रुपये उस समय भाव थे, वेयर रामदेव अग्रवाल एंड मोतीलाल जी बोथ पे बाइंग इट लोअर लेवल, और वो स्टॉक का बॉटम बन गया। उसके बाद से दैट स्टॉक हैज परफॉर्म 3 times। तो अगर हम इनसाइडर डेटा को क्लोजली इसको डेली बेसिस पे स्क्रूटनाइज करें तो कई स्टॉक हमको यहीं से मिल जाएंगी, बिकॉज प्रमोटर आर द गाइज हु विल हैव फेयर आइडिया अबाउट देयर स्टॉक, कि वो नीचे के लेवल पे ज़्यादा लेना चाहते हैं बिकॉज उनको दिखता है कि मेरा स्टॉक में इतना वैल्यू है कि मैं उसको नीचे के लेवल पे लूँ, राइट? बट देयर आर सम प्रोमोटर्स हुआ क्रूक ऑल्सो, ये इसको लेके मैनिपुलेट भी करते हैं। तो हम कभी भी इसलिए नहीं लेंगे कि प्रोमोटर ले रहा है, हम एटलीस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करेंगे। अब उसके बाद में उसमें हम कैसे काम करेंगे वो हमारा फ्रेमवर्क है जो हम यूज करेंगे। अगर वो स्टॉक उस फ्रेमवर्क में सेटिस्फाई होता तब तो हम घुसेंगे, नहीं तो हम उस स्टॉक के अंदर में काम नहीं करेंगे। तो लेट्स पार्क दिस आल्सो फॉर द टाइम, जस्ट अ सेकंड, वन मोर थिंग हियर, या कि दिस इंक्लूड्स मार्केट परचेज सेल, दिस आल्सो इंक्लूड्स किसी को ईसॉप मिले, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट स्क्रोल डाउन करिए, देयर इज अ स्टार सीमेंट, या क्रिएशन ऑफ प्लेज। ओके, अगर किसी प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर को प्लेज करके कुछ किया है, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कैप्चर्ड हियर, कि आप प्लेज बना रहे हो, आप प्लेज कर रहे हो शेयर्स को या रिवोक कर रहे हो, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज हियर। सर एक अपकमिंग रिलीज है हमारी, अच्छा ठीक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, जहां आप इस पूरी चीज को ना फिल्टर करके देख पाओगे कि मुझे खाली प्लेज किस किसने किया वो बता दो, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट विल बी कमिंग अप इन अ फ्यू मंथ्स।